मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन के CIR फंड से निर्मित जंगल कौड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चरगामा के नवनिर्मित पीडियाट्रिक ICU का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया पर लोकार्पण किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान उर्वरक कारखाना जब से शुरू हुआ है जनहित में अनेकों कार्य कर रहा है। हिंदुस्तान उर्वरक कारखाना अपने CSR फंड से जनपद के 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 बेड के पीक का निर्माण करवा रहा है, जिसमें चरगामा व जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण किया गया है। इससे जंगल कौड़िया ब्लॉक के 2.5 लाख की जनता लाभान्वित होगी और छोटे बच्चों के JAS के बीमारी का इलाज हो पाएगा। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई है। पूरे प्रदेश में 7,000 पीक बेड बनकर तैयार हुआ है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के नागरिकों को मिल रहा है। गोरखपुर इंसेफ्लाइटिस का गढ़ माना जाता था और इस बीमारी से बहुत मौत होती थी, लेकिन जब से प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनी है तब से 96% की कमी है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो गई है, सभी बच्चों का इलाज हो रहा है। HURL को पीकू का निर्माण करने के लिए बधाई देता हूं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, चरगामा ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SSP नर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरुइया श्री संजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री गोरख सिंह जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, दीक्षित जी गोरखपुर के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत सभी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। होली जैसे पावन आयोजन की पूर्व संध्या पर HURL हिंदुस्तान उर्वरक एवं यूरिया लिमिटेड के द्वारा, जिसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में रखी थी और जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी विगत वर्ष ही हुई है, लगभग 31 वर्ष के बाद गोरखपुर उर्वरक निगम लिमिटेड का जो HCI का कारखाना था, वहां पर आज HURL के द्वारा फिर से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की तुलना में ज्यादा क्षमता के साथ
कम जगह पर यह खाद कारखाना चल ही रहा है, 100% से अधिक उत्पादन भी दे रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, आप देख रहे होंगे पिछले एक वर्ष से अधिक समय से खाद की कोई किल्लत नहीं हो पा रही, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान किसानों को समय पर खाद मिले, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, उसके अनुरूप यह कार्य अब HURL ने यहाँ प्रारंभ किया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और आसपास के राज्यों में। जहां एक और यहाँ पर खाद उत्पादन का कार्य इस कारखाने के द्वारा प्रारंभ हुआ है, वहीं अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यक्रमों के साथ जो समाज में लोक कल्याणकारी माने जाते हैं, शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सभी कार्यक्रमों को गोद लेकर के आज HURL प्रारंभ कर रहा है। इसी क्रम में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीको की स्थापना, ये पीडियाट्रिक ICU है, छोटे बच्चों का जो ICU होता है, उस ICU के निर्माण के लिए आज HURL ने सहयोग किया है, जिसमें से आज 2, एक जंगल कोड़िया का है ये सामुदायिक केंद्र, जिस चोटी जाम गांव में यहां पर आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरा चरगावा विकास खंड में घुटन गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यह यहां की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हम सब जानते हैं इस क्षेत्र ने एक लंबे समय तक मस्तिष्क ज्वर की बीमारी को झेला है। 1977-78 में जो बीमारी यहां आई थी, 2017-18 तक लगभग 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से हुई थी, और बीमारी का कारण था कि समय पे उपचार न मिलना। बीमारी के बचाव के लिए 2017-18 में जब हम लोगों ने प्रदेश में कार्यक्रम प्रारंभ किया, स्वास्थ्य की सुविधाओं की वृद्धि की, हर जनपद में जिला अस्पतालों में, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार के पीको और मिनी पीको का निर्माण किया, आज उसका परिणाम है कि 96% मौत को हम लोग नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। जहां पर 1200-1500 मौत हर वर्ष होती थी, आज उस संख्या को घटा करके हम लोग लगभग 0 पे लेके आ गए हैं, लेकिन अभी सतर्कता बरतनी होगी और उस दिशा स्वास्थ्य की सुविधा की अभिवृद्धि करने के लिए आज यहां पर मिनी पीको का यह उद्घाटन किया जा रहा है। यद्यपि उपचार में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको बचाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बीमारी ही ना हो, उसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता, शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल की योजना लागू हो रही है, घर घर शौचालय बन रहे हैं, जिन लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं वे लोग उसका इस्तेमाल करें, साफ रखें, गांव में साफ सफाई का कार्यक्रम ग्राम प्रधान और गांव के जागरूक लोग करें, समय समय पर छिड़काव हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी, ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। उस सबके बावजूद या समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को लगाई जाने वाली टीकों के कारण एक बड़ा अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चलाई है। संचारी रोग नियंत्रण करने के लिए वर्ष में 3 से 4 बार संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। उस सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी मजबूत होंगी, हम शिशु मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को उतना ही नियंत्रित भी कर पाएंगे, और उसे नियंत्रित करने की दिशा में यह एक प्रयास
और अच्छे सिरे से हुआ है, जिसमें अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज HURL के द्वारा जनपद गोरखपुर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीडियाट्रिक ICU की अपने यूनिट का उद्घाटन का कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से HURL और उनके पूरे प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज जंगल कोड़िया विकासखंड और चरगावा विकासखंड को यहाँ पर 2 इको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ के गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कार्यदायी संस्था के रूप में इस पे कार्य किया है और 3 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी वह लेगी। विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सर्विलांस जितना अच्छा होगा, पेशेंट को समय पे उपचार उपलब्ध कराना, ENM को, आशा वर्कर को इसके साथ जोड़ना, और अगर कोई बीमार हो गया तो लापरवाही करने की बजाय तत्काल डॉक्टर से राय लेकर के उपचार कराना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, नवजात शिशुओं की जान बचा सकते हैं। यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि इन 2 की तर्ज पर अगले 3 महीनों के अंदर शेष 15 जो इको बनने हैं उनको भी HURL समय पे बनवा करके उत्तर प्रदेश की जनता को देगी, क्योंकि मध्य जुलाई के बाद से इंसेफ्लाइटिस के मामले आने प्रारंभ होते हैं और कोरोना जैसी महामारी के समय तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता थी। कोरोना के पहले की स्थिति यूपी में क्या था? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज यहाँ पे बच्चों के 3 ICU बेड यहाँ पर आ चुके हैं, केवल इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 150 बेड थे हमारे पास पूरे प्रदेश में, आज हमारे पास लगभग 7000 ICU के केवल बच्चों के ICU के बेड्स हैं। ये चीजें दिखती हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया है। कोरोना ने एक अवसर भी दिया है हमें अधिक से अधिक सुविधाओं को सृजित करने के लिए, लेकिन इन सबको आगे बढ़ाना, इसके माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना ये आज की आवश्यकता है और हर एक नागरिक का इस पे अधिकार भी होना चाहिए कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। इसमें सरकार भी सही रहेगी, सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन इस प्रकार के संस्थान जब मिलकर के उसमें सहयोग करते हैं तो अपने CSR की धनराशि का इस प्रकार के कार्यों में उपयोग करते हैं तो बहुत बड़ी जनता उससे लाभान्वित होती है। जंगल कोड़िया विकास खंड की लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी यहां से और 2 से 2.5 लाख की आबादी चरगावा में इससे लाभान्वित होगी। मैं इसके लिए HURL को, उनके प्रबंधन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहां की जनता को इस उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन और बधाई देते हुए आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।